शहीद स्मारक जयपुर की आत्मा कहा जाता है और हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि जैसे ही बीजेपी सरकार सत्ता में आई है दर्जनों भर जो धरने प्रदर्शन है वो शुरू हो चुके हैं। बात करें RYM की, बात करें CHA की, बात करें Level 1 और 2 की और बात करें एडिशनल की, लगातार जो धरने हैं वो यहाँ पर जारी हैं, लेकिन सरकार है वो अपने मस्ती मस्त है। हाल फिलहाल मेरे सामने देख सकते हैं पीछे ये CHA के कुछ जो साथी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनका साफ साफ कहना है, जो हमने पूर्व में बात की इनसे, कि सरकार ने जो वादा खिलाफी किया है वो कहीं ना कहीं इनको अब दंश झेलना पड़ रहा है। हाल फिलहाल ये सड़कों में है, 7,900 की ये पगार बातें थे, लेकिन हाल फिलहाल वो भी बंद कर दी कांग्रेस सरकार में, इनको हटा दिया गया था। और बीजेपी जब विपक्ष में थी तब इनसे वादे भी किए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे। देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। मैडम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्या नाम आपका? पूजा बेनीवाल। कहाँ से पहुँची? यही जयपुर से। पूरे मामले बताइए, CHA क्या स्कीम थी, क्या योजना थी, किस आधार पर लगे थे, क्या रात में आप यहाँ पे धरना दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, पूरे डिटेल बता दी। CHA बोल रहे थे कोविड हेल्थ असिस्टेंट, हमें गवर्नमेंट ने लिया था कोरोना टाइम में, हमने बुरे वक्त में हमने काम किया था, फिर 31 मार्च 2022 को हमें निरस्त कर दिया। तब से हम 2 साल से कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, बट सरकार सुनने को तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि सरकार से यही है विनती कि हमारी मांगे पूरी करे, CHA की सेवा बहाली। और जब कांग्रेस ने हमें हटाया था और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी हमें आश्वासन दिए थे जब कांग्रेस सरकार थी, और हम अभी भी यही चाहते हैं कि अब बीजेपी की सरकार है, कार्यकाल है, तो उस ड्यूरेशन में हमें हमारी CHA की सेवा बहाली कर दे। पूजा, कौन कौन से ऐसे नेता थे जो नाम अगर याद हो तो, जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए आपको आश्वासन दिया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम आपको वापस नियुक्ति दे देंगे? सर, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, दिया कुमारी जी हैं, रूपेश शर्मा जी हैं और रामलाल शर्मा जी और सतीश पूनिया जी हैं और राजेंद्र। दोबारा आपने इनसे मुलाकात की नेताओं से और बात करने की कोशिश की कि आपके जो वादे हैं वो याद दिलाने की कोशिश की थी उन्होंने? हाँ सर, हमने कई बार हमारे साथी गए हैं, हर बार मिल चुके हैं, हर बार आश्वासन दिया जाता है, बट आश्वासन दे के हमें शांत कर दिया जाता है, लेकिन इस बार आश्वासन नहीं लेंगे हम, हमें हमारी नौकरी चाहिए, CHA की सेवा। आप एक महिला हैं और महिला के लिए धरना प्रदर्शन करना बहुत बड़ा चुनौती का काम होता है, पहले घर संभालो, फिर मायका भी है, समाज भी है, तमाम जो आक्रोश है या फिर जो नज़रें हैं जनता की वो कहीं ना कहीं आपको झकझोर रख देती हैं। हाल फिलहाल आप धरने पर बैठी हैं, क्या लगता है कि सरकार जो संवेदनशील सरकार कही जाती है? सर, हमें लगने का तो पता नहीं, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि हमारी CHA की सेवा बहाली कर दी जाए, सरकार हमारी बातें, हमारी मांगे सुने और हमारी मांगे पूरी करे। और रही बात मजबूर की, तो हम बैठे मजबूरी में ही हम बैठे हैं, हम CHA की सेवा बहाली के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं, कंटिन्यू 2 साल से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारी CHA की सेवा बहाली कर दीजिए। नौ दिन से लगातार आप बैठे हो, 9वां दिन आज चल रहा है और धरना जो है लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। अब 9 दिन और बीत जाएंगे, फिर महीना बीत जाएगा, क्या लगता है कि अब आपको धरना कब तक जारी रखना होगा? सर, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाए हम तब तक धरना देंगे और कंटिन्यू रखेंगे, जब तक सरकार कुछ नहीं कर देती CHA का। हमारी एक ही मांग है, ओनली CHA की सेवा वाली, और इसके अलावा हमारी कोई मांगे नहीं है, और हम चाहते हैं जल्द से जल्द सरकार हमारी मांगे पूरी करे, हमें इसी सरकार से उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस सरकार में भी हमसे वादे किए थे, आश्वासन दिए थे, तो हम चाहते हैं कि ये हमारी मांगे पूरी करे, और हमारी कोई ज़्यादा मांगे नहीं, एक CHA की सेवा वाली है, तो सरकार हमारी जल्दी से जल्दी सुने। ठीक है, पूजा बेनीवाल हैं, इन महिला हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो CHA की भर्ती थी, जो योजना उठाई गई थी, हमको उठाया गया था, उसको वापस तुरंत प्रवास से बहाल किया जाए और वापस हमको जो मानदेय है वो दिया जाए, लेकिन हाल फिलहाल सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन या सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स ऐसा नहीं आया है जिससे इनको संतुष्टि मिले। उम्मीद जो है लगातार बनाए हुए हैं। एक अभ्यर्थी जुड़े हैं, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम BS मीणा, मैं अलवर से हूँ। जो हम तो सर धरना इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार ने हमें पिछले 93 दिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने 93 दिन शहीद स्मारक पर इसी जगह पर धरना दिया था, तो कंटिन्यू उसी समय बीजेपी के जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हैं, दिया कुमारी जी हैं, रूपेश जी हैं, कई सारे दिग्गज नेताओं ने बीजेपी के आकर के हमारा धरना संबोधित किया था और उन्होंने ये कहा था जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो हम आपको नौकरी देंगे, तो हम उनको याद दिलाने के लिए 9 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, हमारे साथी उनसे मिल भी रहे हैं, कंटिन्यू बात भी चल रही है, वो यही कह रहे हैं कि आपको नौकरी देंगे, बट देंगे कब, अभी तक हमारे पास कोई आश्वास मतलब सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं है, हम चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे, बट सरकार अभी तक हमसे कोई बात नहीं कर रही है, तो हमारा तो यही कहना है कि जब तक हम CHA की सेवा वाली नहीं होती है हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे और गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि हमको बीजेपी सरकार नौकरी दे। देखिए, 9वां दिन है लेकिन लगातार आपकी मांग जो है वो अनदेखी की जा रही है, खर्चे ज़्यादा हैं, सुविधाओं का टोटा है, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है और महिला अभ्यर्थी भी आपके साथ बैठी हैं, तो सरकार ध्यान नहीं देगी तो कहाँ तक आप मैनेज कर पाएंगे अपने खर्चों की बात कर लें, सुविधाओं की बात कर लें? देखो, पहले भी हमने 93 दिन
धरना चलाया था और उसमें भी हमने खर्चा हमारी जेब से खर्च किया था, आपस में कंट्रीब्यूट किया था। इसी तरीके से अभी भी हम ऐसे ही एक दूसरे से कंट्रीब्यूट करके और हम जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक बैठे हैं। बाकी फिर भी हमारे साथी जो है संघर्षशील साथी वो मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। अगर हमको जैसे कोई आश्वस्त करता है तो हम सरकार की बात को मानते हुए हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे। हम तो बस गुजारिश कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार से हमें आशा है, उम्मीद है नई सरकार आई है तो हो सकता है कि हमारा कुछ भला कर दे, हमें बस हमारी नौकरी वापस दे दे। रोजगार मांग रहे हैं हम सरकार से। रोजगार मांग जो है वो यहाँ पे तेज़ हो रही है, लगातार जो युवा हैं वो अपने सर को उतर चुका है और लगातार अपनी मांग को लेकर यहाँ पे जो धरना है वो दिया जा रहा है। क्या नाम आपका? राकेश कुमार सैनी। कहाँ से हैं सैनी? मैं दोसा से। पूरे मामले को अवगत कराएं कि किस प्रकार से आपकी भर्ती हुई थी, कब आपको हटाया गया, क्या मानदेय रहा था और क्या आपसे वादे किए गए थे? राजस्थान में जब कोरोना महामारी आई थी, ऐसे विकट महामारी थी कि उस समय परिवार परिवार का नहीं था, नेता अपने घरों में थे, पुलिस प्रशासन और एक नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर ये रोड पर पेशेंटों का इलाज कर रहे थे। इसके मद्देनज़र रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सभी स्टेटों के लिए एक CHA कोरोना योद्धा कोविड हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट निकाले थे, जिसको हर स्टेट के अनुसार निकाला गया था। इसकी भर्ती एज ए गवर्नमेंट प्रक्रिया के अनुसार हुई, अखबारों में आई थी, संविधा के बेस पर लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, एज ए पुलिस वेरिफिकेशन, संतान वेरिफिकेशन, सारे जो वेरिफिकेशन गवर्नमेंट के अंदर उसको किया गया। मेरिट वाइज लिस्ट निकाली गई, ST SC OBC महिला, इनकी सबकी कट ऑफ निकाल के ये भर्ती की गई और हमारा वेतन था 7,900। फिर भी हमने हमारा धर्म माना कि हम नर्सिंग स्टाफ है, ये हमारा धर्म है मरीजों की सेवा करना। आज हमारा स्टेट, हमारा देश जब महामारी से जूझ रहा था तो हम आगे आए और पूरे राजस्थान की जनता की सेवा की, अपनी जान हथेली पर रखकर, और एक पूरा राजस्थान को पूरे कोरोना में बहुत जल्द और इंडिया के अंदर नंबर वन लेके आए, जिसका परिणाम कांग्रेस सरकार ने हमको बेरोजगार करके दिया। हमने लंबा संघर्ष और मजबूत आंदोलन किया लेकिन सरकार नहीं सुनी, और हमारे आंदोलन का समर्थन बीजेपी के समस्त बड़े नेताओं, वसुंधरा जी हो, किरोड़ी जी हो, दिया कुमारी जी हो, राजवर्धन राठौड़ साहब हो, राजेंद्र राठौड़ हो, या CP जोशी हो, सतीश पूनिया हो, प्रहलाद गुंजल जी हो, इन सभी ने हमारे आंदोलन का समर्थन किया और हमारे आंदोलन में भाग लिया। 4-5 हमारे ऐसे बड़े आंदोलन हैं, महापुरा है, शहीद स्मारक है, राहुल गांधी है कि यात्रा को रोकना है, और चंद्रमहल गार्डन पे है। यहाँ सभी बीजेपी के बड़े नेताओं ने हमारे आंदोलन में भाग लिया और हमें आश्वस्त किया कि सरकार जब हमारी राजस्थान में संपूर्ण बहुमत के साथ आती है तो हम रोजगार देंगे। आज सरकार को बने हुए बहुत दिन हो गए लेकिन सरकार आज हमको भूल गई है, क्योंकि चुनाव के टाइम पर, वोटिंग के टाइम पर हमने सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और राजस्थान के अंदर बीजेपी को संपूर्ण बहुमत के साथ लाए और बीजेपी की सरकार बनाई, राम राज्य की सरकार बनाई। लेकिन हमको ये नहीं लग रहा कि राम राज्य की रीतियां निभाई जा रही है, क्योंकि राम राज्य के अंदर तो एक कहावत हुआ करती थी कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारी राम राज्य की सरकार अपना वचन भूल रही है, वो अपना वादा भूल रही है, इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कि आपने जो वादा किया था उस चुनाव के टाइम पर, आज 9 दिन यहाँ हमको हो गए हैं, हमारे साथी कंटिन्यू मिल रहे हैं, CM साहब से भी मुलाकात की, किरोड़ी लाल जी से मुलाकात की, चिकित्सा मंत्री जी से मुलाकात की, दोनों डिप्टी CM से मुलाकात कर ली, राजेंद्र राठौड़ से मुलाकात कर ली। सबका एक ही है कि हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन वो देंगे कब ये अभी नहीं बता रहे। तो हम ये चाहते हैं कि 2 साल से तो बेरोजगार कर रखा है, पहले कांग्रेस ने किया और अब 6 महीने आपको हो गए, आप कब तक रोजगार दोगे? अभी तक कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिला है। अगर सरकार हमको कुछ नहीं देती है तो हमने जैसे कांग्रेस पूरे राजस्थान के अंदर सर हम 28 जा रहे हैं, हमने बीजेपी का साथ दिया, कांग्रेस को बाहर होना पड़ा हर चुनाव के अंदर। तो हम बीजेपी सरकार पर पूर्ण विश्वास है, अभी सरकार के साथ हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार जल्द मांग पूरी करेगी। तो हम मीडिया के माध्यम से सरकार के बड़े नेताओं से, यानी कि CM साहब से, किरोड़ी लाल जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप अपना वादा जल्द से जल्द निभाए, जिससे हम अपने रोजगार पर जाएं। हमारा जो अगर रोजगार आप देते हो तो हम राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे, जिस तरीके से कोरोना के अंदर पूरी चिकित्सा व्यवस्था को हमने सटीक करके राजस्थान को नंबर वन किया था। आज राजस्थान के अस्पताल व्यवस्था आप देखो, हर दिन कहीं ना कहीं कोई गाँव, ढाणी, पंचायत या तहसील स्तर से नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ की कमी आती है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर सुविधाएँ नहीं है, कोई जगह नर्सिंग स्टाफ है ही नहीं, वहाँ PSC CSC सब सेंटर खाली पड़े हुए हैं, अस्पताल खाली पड़े हुए हैं। ऐसे मेस के अंदर प्लेसमेंट है जैसे के द्वारा ठेका प्रताप जिले का जा रहा है, लेकिन जो ये वेल ट्रेंड नर्स है जिन्होंने कोरोना में काम किया था, सरकार को उन लेने में जोर आ रहा है। क्या इनके लिए आपने वैसे इसलिए वादा खिलाफ किया, या इसलिए तो वादा किए थे कि भाई हाँ आप हमारा साथ दो, हम चुनाव जीतेंगे, बाद की बाद में देखेंगे? तो हम राज्य की सरकार से
दिन याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपना वादा निभाओ और हमको नौकरी देकर राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को मूलभूत जो सुविधाएं हैं मोदी जी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो गाँव गाँव ढाणी तक पहुँचाने में हम आपकी पूरी मजबूत करेंगे और राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करेंगे। देखिए यहाँ पे CSO है वो मांग की गई है, साफ साफ कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चलिया है प्राण जाए पर बचन जाए, ऐसी सौपाइयाँ हैं जो रामायण की वो यहाँ पे बताई गई हैं, गिनाई गया है, सरकार को चेताया गया है कि सरकार जो है बीजेपी सरकार वो रामलाल सरकार कहलाती है। हाल फिलहाल जो वादा है वो खिलाफ यहाँ पे करना पड़ रहा है या कर रही है सरकार, जो इनको यहाँ पे जो दंश है वो झेलना पड़ रहा है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं ये यहाँ पे इनका कहना है। एक अभ्यर्थी और मौजूद है, क्या नाम है आपका? विजय कुमार मीणा। कहाँ से पहुँचे? दौसा से। मामला ये कि सरकार ने जब कोविड आया तब 28,000 CHO लगाए थे, कांग्रेस सरकार ने एक झटके में सभी CHO को घर पे बैठा दिया, उसके बाद हमने 93वें दिन यहाँ शहीद स्मारक पे धरना दिया, तो बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता थे उन्होंने आके हमको आश्वासन दिया रहा, हमारे साथ बड़े बड़े आंदोलन किए और आंदोलन असफल होने के कारण उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी तो सबसे पहले आपका काम किया जाएगा। राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार भी आ गई लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार ने उनका वादा पूरा नहीं किया। जिन बड़े बड़े नेताओं ने हमारा साथ दिया था आज वो नेता भी जब भी उनसे बात करते हैं वो अभी भी आश्वासन दे रहे हैं, जबकि हमको आश्वासन नहीं लेना था, हमको तो एक रोजगार चाहिए था। तो हम बीजेपी के उन बड़े नेताओं से कहना चाहते हैं कि उस टाइम आपने हमें आश्वासन दिया था तो आज उसको पूरा करो, आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार आई है राजस्थान में तो वादा खिलाफी क्यों? हमने उनसे कंधे से कंधे मिला के उनका साथ दिया था चुनाव टाइम में और आने वाले समय में लोकसभा के फिर से चुनाव आ रहे हैं तो 28,000 हर राजस्थान के कोने कोने में बसे हुए हैं। तो बीजेपी जैसे कांग्रेस सरकार को बायकॉट किया था राजस्थान से उसी प्रकार लोकसभा में भी देख लेंगे, क्योंकि 28,000 परिवार बहुत होते हैं। तो हम तो बीजेपी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया है उसको वादे को खरे उतरे और CHO को रोजगार दो, बस यही मांग है हमारी। CHO जो है वो रोजगार की मांग को लेकर यहाँ पे अड़िग हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर यहाँ पे जो खड़े हुए हैं बैठे धरने पे वो यहाँ पे अपनी मांग जो है वो केवल इतनी है कि रोजगार वापस बहाली की जाए, जो CHO की जो योजना इन्होंने बंद की थी और बीजेपी में जब उनको वादा किया था विपक्ष में थी वो वादा यहाँ पे याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। एक अभ्यर्थी और, क्या नाम आपका? दिनेश बिश्नोई फ्रॉम सांसौर। फ्रॉम सांसौर। क्या लगता है दिनेश जी, आप लगातार जो युवा वर्ग है और महिला वर्ग है वो सड़कों पे उतर चुका है, सरकार जैसे आई वादे जो है वो खिलाफी यहाँ पे हो रही है? वादे खिलाफी हो रही है और आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन लेते लेते हमको 2 साल होने को आए हैं, इसलिए अब आश्वासन से तो हम जाने वाले नहीं है, हमें मतलब सेवा बहाली का ऑर्डर जारी करेंगे तभी हम जाएंगे, आश्वासन तो लेते लेते 2 साल हो गए। और पोस्ट खाली की बताऊँ तो मेरे नवनियुक्त अभी जिला सांसौर बना है तो वहाँ ट्रोमा सेंटर है तो वहाँ 25 पोस्ट है और 5 ही पोस्टेड है स्टाफ, वहाँ 20 स्टाफ आज भी वहाँ नहीं है। एक सवाल आपसे ये भी था कि धरना कब तक चलने वाला है और रणनीति क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि अगर सरकार ने आपके मांगों को नहीं माना तो? सरकार ने मांगों को मान लिया तो धरना हम जल्द समाप्त कर देंगे और मांगों को नहीं माना तो फिर धरना हमारा लंबा भी अनिश्चितकालीन खींच सकता है। तमाम अभ्यर्थी हैं CHO के हैं, यहाँ पे साफ कर दिया है कि कांग्रेस राज में हमको हटा दिया गया था, उसके बाद में जब बीजेपी विपक्ष में थी तब हमसे दावे किए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जैसे ही सरकार सत्ता में आती है वैसे ही हम आपकी जो बहाली है वो वापस कर देंगे, लेकिन हाल फिलहाल जो ये अभ्यर्थी हैं CHO के उनका आरोप जो है सरकार पर वो लगा है कि वो वादा खिलाफी कर रही है, वादे करके भूलने वाला जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और जो अभ्यर्थी है CHO के इनमें कहाँ तक सामंजस्य बन पाता है, सरकार इनकी मांग को मानती है या नहीं। सही कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।